परिचय बता दें। हमारा नाम मधु बिसमरी है, मैं सिंगारिया परिवार की लड़की हूँ। मेरे बाप दादा के घर की ये श्रृंगार की सेवा है। मैं बचपन से इस लीला में शामिल हुई हूँ, हमेशा ही लीला देखती हूँ। हमारे बाप दादा ने बताया है कि जो मेघा भगत जी थे, उनको ये सपने में आया था कि आप जाके लीला करो, तो उन्होंने ये लीला शुरू किया। तो फिर उन्होंने अपने केले के पत्ते के ऊपर फल और जो उनको जुगाड़ जो समझ में आता था जंगली, उसी से उन्होंने भोग लगा के शुरू किया। उनको सपने में ये बात दिया कि आप 22 दिन लीला करना, 23वें दिन आप लीला नहीं कर सकते हो, 22 दिन में से आपको मैं एक दिन जरूर दर्शन दूंगा। वो दर्शन का दिन आज होता है, इसीलिए आज पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर 2 सेकेंड के लिए इस झांकी के लिए दर्शन करने आते हैं। इतना कह के मैं श्री राम। देखिए क्वेश्चन कहीं से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है, शिंगारिया, रीना शिंगारिया। रीना जी, लीला देखने आई है, कितनी खास होती है ये लीला, क्या कुछ होता है खास? ये लीला जो है हम ही लोग के यहाँ श्रृंगार करते हैं, हम लोग के घर वाले लोग, और ये 485 साल पूर्व। मोहन कृष्ण अग्रवाल, महामंत्री, चित्रकूट राम लीला समिति, काशी। अग्रवाल साहब, कितने वर्षों से ये लीला होती चली आ रही है, कितनी पुरानी है और क्या इस बार कुछ अलग हो रहा है? देखिए, ये 478 वर्ष वहाँ इस भरत मिलाप मना रहे हैं। संबत 1600 से ये रामलीला का प्रारंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन मेघा भगत द्वारा। तब से अनवरत रूप से यह लीला लगातार जो है चली आ रही है। पिछली बार तो ऐसा था कि पूरे विश्व में कोरोना फैला था, उस संक्रमण को देखते हुए हमने रामलीला किया और भरत मिलाप भी किया, ये नहीं कि नहीं किया, स्थान परिवर्तन केवल हुआ। वो नाटी इमली में न होके बड़ा गणेश के बगल में अयोध्या भवन है, अयोध्या की है, तो सभी लीलाएं हम लोगों ने वहाँ किया। इस बार क्या कुछ संकुचित किया गया है, कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा बदला? देखिए, स्वरूप का बदलने का मतलब ये है कि हमारी ओर से कोई, आयोजक की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से जो भीड़ और जो दर्शक आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनको सीमित करने की कोशिश किस प्रकार की है तो मैं नहीं जानता, लेकिन सीमित करने की कोशिश की है। राजा साहब जो आ रहे हैं वो भी इस बार हाथी पे नहीं आ रहे हैं, और वो उसमें थोड़ी उनकी ये मजबूरी हो गई कि चूंकि रामनगर की रामलीला शुरू नहीं भई, उन्होंने हाथी मंगाया नहीं था, अब दुर्ग में जो है हाथी है नहीं, तो हम लोग जब निमंत्रण देने गए तो वो बल्कि पछता रहे थे कि ये सूचना हम लोग को 15 दिन पहले मिली होती तो मैं व्यवस्था कर देता, लेकिन हमको ये भरत मिलाप आज 16 है, 14 तारीख को शाम को जो है जिला प्रशासन द्वारा भरत मिलाप करने की अनुमति प्राप्त। तो राजा साहब कैसे आ रहे हैं? राजा साहब अपनी गाड़ी से आवेंगे और वो जहाँ हाथी रहती है उसी जगह वो मंच बना हुआ है, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ उसी जगह उनका मंच बना है, कुर्सी लगी है, उसी वो विराजमान होंगे। अग्रवाल साहब, ये पहली ऐसी रामलीला है जो वाल्मीकि के रामायण पर आधारित होती है, बाकी सभी जगह ऐसा है कि जब ये रामलीला का शुरुआत हुई उस समय मानस की रचना नहीं हुई थी।